सर अलाउ कर दिया सर। ओके लेट्स स्टार्ट। सर आपका माइक अनम्यूट है। सर आपका माइक अब आवाज आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है सर। मैम को ऑन करके आवाज देती है। तो वन टू थ्री फोर के चार टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कल। अगर आज ही होता है तो कर लूंगा बुलेट लेक्चर। बुलेट लेक्चर के दिन में उसको एक क्वेश्चन अगर एब्सेंट दिखता है ते ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अबे और भी क्या डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉनिकल पेंडुलम है ना। जल्दी जल्दी दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम। सबसे पहला टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉनिकल पेंडुलम। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं सिंपल पेंडुलम। यहां पे क्या लिखता हूं कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किस तरह से बनाएंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं रिजिड बनाता हूं। रिजिड सर ये मेरा सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोग बॉब, ये जो बॉब होता है उसको पकड़ेंगे, यहां तक लेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ये एंगल बहुत छोटा होना चाहिए ना। अगर हमने एंगल छोटा लिया तो ही ये ऑब्जेक्ट ऐसे जंप करेगा, है ना। एंगल छोटा से ऐसे 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 करेगा स्ट्रेट लाइन ऐसे जंप, उसके बाद ही हम लोग इसके इक्वेशन बना सकते हैं। करेक्ट ओके। ये यहां से आ गया, इसको मैं बोलता हूं मेन पोजीशन, दैट विल बी एक्सट्रीम पोजीशन एंड ये वापस यहां पर आएगा। उस तरह का कुछ भी मोशन करेगा। यही हमारा ऑसिलेशन है। यस यस ऑसिलेशन है और इसका थीटा शुड बी लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री। सिमिलरली अगर कॉनिकल पेंडुलम बनाना है तो रिजिड, ये हमारा पेंडुलम है, ये बॉब है, बॉब को ऐसे उठाओ, बॉब को ऐसे उठाओ, उठाने के बाद टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखने के बाद क्या होगा, बॉब ऐसे घूमने लगता है। It will look like a cone. That's why it's called as a conical pendulum. इसके अंदर कौन सा concept होता है? Oscillation का, circular motion का। Circular motion का। ठीक है? अब ये गोल घूम रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक force है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं centripetal force। Centripetal force क्या एक्ट करेगा? ये हो गया मेरा centripetal। ठीक है? ये बात क्लियर है? उसका मतलब क्या है? मैं बॉब को लेता हूँ और बॉब खुद के वजन की वजह से, वेट की वजह से नीचे आता है, सीधी बात है। यहां पर मैं उसके ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाता हूँ, देखता हूँ घूमने लग जाता है। इस वजह से घूमता है, ये स्प्रिंग की टेंशन, जब तक स्प्रिंग में टेंशन है तब तक वो घूमेगा। टेंशन गया,
सब किया अटेंशन। इसीलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमको जहां पे टेंशन के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे ये क्या हो जाए डी कॉस थीटा दैट विल बी और हमेशा टी साइन थीटा ये रिस्पांसिबल है इसके लिए कोनिकल पेंडुलम के लिए। अरे जान में सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या करते हैं जो सेंटर की तरफ जो भी एक्ट होता है ना फोर्स उसको इक्वेट करते हैं एक फोर्स के साथ मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ। मैं क्या बोलता हूँ कि ये टी साइन थीटा है ना दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल और इसकी जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। याद है क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये सिखाना पड़ेगा चैप्टर सर रिवाइज करवाना पड़ेगा चैप्टर नहीं ना पहला चैप्टर रिवाइज करवाना है क्या पक्का नहीं ना ये हो गया। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है माइनस एम जी टाइम दो बात पता चल गई इसका टाइम पीरियड क्या होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी करेक्ट। यहां पर क्या होता है इसका टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा ये बात सबसे मेन मेन कांसेप्ट क्या है मेन कांसेप्ट क्या है ये परफॉर्म करता है ऑसिलेशन वो भी ऐसे चल ठीक है ये क्या परफॉर्म करता है सर इसको ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है वेट। पेंडुलम को ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है वेट। इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है टेंशन। टेंशन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो पहला टॉपिक है
सब भूल गए लेकिन ये दो बात नहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि क्या होता है और इसके अंदर फॉर्मूला भी देखिए इसको टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी यहां पे एक्स्ट्रा कॉस थीटा लगता है एक्स्ट्रा कॉस थीटा क्या होगा बहुत सारे जब तुम एग्जाम के लिए बैठोगे है ना एग्जाम के लिए बैठोगे तो कंफ्यूजन होने होगा ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन और इधर नहीं आ रहा देखो एल बी साइन थीटा लेते हैं इस तरह का इक्वेशन इसके अंदर टी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा ओमेगा स्क्वायर और मिलेगा था पहले चैप्टर में भी रिवीजन करवाया ओके ओके चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉ सिंगल पेंडुलम के लॉ क्या है बहुत सिंपल लॉ है सबसे पहले लॉ सिंगल पेंडुलम अगर आपको लिखना है सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं और इसको कांस्टेंट कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एल अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट कर दूं लेंथ चेंज ना करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ जी लिख सकता हूं करेक्ट है आया पक्का गलत हो रहा है नहीं ना हां दिस इज माय फर्स्ट लॉ दिस इज माय सेकंड फर्स्ट लॉ हेडिंग क्या लाना है लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये फार्मूला लिखो क्या मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जी ये मतलब है और एक बात सुनो क्या इस फार्मूला का मास है क्या टी नॉट डिपेंडेंट ऑन मास जनरली नॉन डिपेंडेंटिटी इज ऐसा लिखा जाता है क्या इस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड है क्या हम लोग लिखेंगे टी इज टी नॉट टी डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को मैं ऐसे बात मतलब समझो मतलब अगर उनको सिंपल पेंडुलम बनाना है ठीक है सिंपल पेंडुलम बनाना है तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है अगर मैंने लेंथ बहुत बड़ा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाता है मुझे ये इतने लेंथ का पेंडुलम है उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 2 सेकंड तो मैंने उसका लेंथ बढ़ा दी तो 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा 4 सेकंड लगेगा ठीक है अगर मैंने पेंडुलम को अर्थ पे रखा है उसका टाइम पीरियड अलग रहेगा अगर उसी पेंडुलम को मैंने मून पे रखा उसका टाइम पीरियड चेंज होगा तो पेंडुलम यहाँ पर 2 सेकंड टाइम पीरियड बताता है वो दूसरे प्लैनेट पे उसका टाइम पीरियड अलग रहेगा 2 सेकंड नहीं रहेगा टी नॉट इस फॉर्मूला मास नहीं है तो मास पे डिपेंड नहीं करता भले ही तुम कितना भी दुनिया मतलब अर्थ के वेट मास के बराबर का मास लगा दो लोग कितना 10^55 केजी इतना वजन का मैंने बॉब लगा दिया तो भी इससे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता तो जितना समय लेगा 2 सेकंड लेगा 10 सेकंड तो भी ठीक है ये बात ध्यान में रखते हैं हां गलती करेंगे इसको क्लियर करने के लिए दो बातें कोशिश करना आवाज कहाँ से यहाँ से
मत बोलो, मैं पापा देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें पूछूंगा, इससे समझ में आएगा तो समझ में आएंगे। तो अगर मैंने बोला हूं, अगर मैंने सिर्फ एक पेंडुलम लिया, ठीक है, बॉब जो है इतना बड़ा है, ठीक है, बॉब इतना बड़ा है पेंडुलम, ये बॉब है वुड का, लकड़ी का, और इतना ही बड़ा बॉब है मेरा मीटर, ये पेंडुलम का बॉब वुड का, ये पेंडुलम का बॉब मेटल का, दोनों को मैंने सेम सब लगाया। इसका 2 सेकंड से टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम है, सेम रहेगा। अब समझो ये बॉल है, बॉल के अंदर मैंने पानी भर दिया, ठीक है, बॉल के अंदर मैंने पानी, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर छिद्र बनाया, होल बनाया, पानी बाहर निकलेगा, मैंने धक्का मार दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पानी के नीचे गिर रहा है। अब बताओ टाइम पीरियड का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन लिख देता हूं, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है, इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट इंक्रीज then decrease, final option, first decrease then बॉल के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, बॉल किया, पानी नीचे गिरने लग गया, धक्का मारा, बॉल ऑक्सीडेशन करेगा, अब उसके टेंपरेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका टेंपरेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसके कंपैरिजन में इंक्रीज, मुझे पूरा भरा हुआ है, मैंने बोल नहीं किया, धक्का मार, इसके कंपैरिजन रीजन, रीजन फाइन, अपनी बात, अपनी बात, मैंने लेंथ पढ़ा तो टाइम पीरियड पड़ेगा, हाँ लेंथ क्या होता है, फ्रॉम रिजिड टू सेंटर ऑफ मास, ना जब इसके अंदर पानी भरता है फुल, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जब मैंने इसके अंदर होल किया, पानी मेरा कम होने लग जाएगा, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास नीचे आया मतलब लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ मतलब एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहाँ पर आया, अब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, और इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, अब मेरा पानी यहाँ तक आ गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, नीचे, और इंक्रीज हुआ, पानी खत्म हो गया, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, फिर से बीच में आ जाएगा बॉल के हिसाब से, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बना रहे, जैसे पानी कम होगा सेंटर ऑफ मास नीचे नीचे नीचे, टैंक बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पानी कम होगा फिर ऊपर आ जाएगा, लेंथ कम होगा, इंक्रीज देन डिक्रीज, तो समझ रहे हो, आया ध्यान में, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड
कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं, बस डायग्राम बना दो यहाँ से दूर गिर के बता दो तुमको आइडिया आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा क्या हुआ क्या बताया। पेंडुलम उस टाइम पीरियड इज 2 सेकंड और लेस सेकंड पेंडुलम सेकंड पेंडुलम उसके लिए सब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2 π अंडर रूट ऑफ l / g याद करना याद करना याद करना ठीक है। इसके जगह t = 2 सेकंड पुट करो कैंसिल कर देंगे 2 = 2 π अंडर रूट ऑफ l / g टू गेट कैंसिल आंसर क्या आएगा लेंथ ऑफ लेंथ निकालेंगे ये लेंथ निकालेंगे कैसे निकालेंगे से पहले मैंने कहा 1 = 2 pi into under root of l / g taking square on both side हो गया 1 हो गया pi square हो गया l / g ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर राइट g upon pi square this is nothing but the length of second pendulum। अब मुझको ये देखते हैं बताओ सेकेंड पेंडुलम किस चीज पे डिपेंड करता है ओनली ग्रेविटी। सेकेंड पेंडुलम सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और अगर मैं अलग इस पे लग जाता हूं तो उसका लेंथ अलग रहेगा अलग रहेगा। हम लोग सेकेंड पेंडुलम का मतलब क्या है ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसी पेंडुलम को मैं दूसरे ग्राफ में ले जाता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका भी 2 सेकंड होना चाहिए तो मुझे उसको उस ग्राफ के ग्रेविटी के हिसाब से उसका लेंथ चेंज करना डन लेंथ इज दैट ये है कभी नहीं सोचेगा खाली कूद रहेगा और लेंथ निकालेगा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर क्या अपन कर करेंगे देखिए यकून कर करेंगे पर मैं तुमको एंगुलर एंगुलर चीजें क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन देता हूं मैं और ये अपन कल करेंगे परसों हमारा पूरा लेक्चर। अरे लिखिए क्या देखो सबसे पहले लीनियर व्हाट इज माय लीनियर लीनियर क्या मतलब है एंगुलर का क्या एक लाइन में जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं एंगल में जाने वाली चीज को क्या बोलते हैं है ना। अब लीनियर में सुन लो s इसको हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है ना तो हम लोग मैं लीनियर में जिस चीज को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं एंगुलर में उस चीज को मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं ना। लीनियर लीनियर जिस चीज को मैं वेलोसिटी बोलता हूं एंगुलर में क्या बोलूंगा लीनियर में जिस चीज को मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं यहां पे उसको क्या बोलूंगा लीनियर में जिस चीज को मैं मास बोलता हूं यहां पे मैं क्या बोलूंगा एंगुलर मास देन उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं पता होगा लीनियर में जिस चीज को मैं फोर्स बोलता हूं यहां पर क्या बोलता हूं एंगुलर फोर्स टॉर्क। अगर मैं यहां पर फोर्स बोलूंगा एंगुलर में उसको क्या बोलूंगा टॉर्क
ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, ये सारी चीज इक्वल नहीं है। नाम एनोलॉजी होता है, मतलब बता रहा हूँ एनोलॉजी, ठीक है। इसे सुन ले, तेरे को बात करते हैं, देखो मतलब डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम एक्स लिखते हैं या फिर एस लिखते हैं। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा है ना, शुरुआत ये से होती है, शुरुआत डिस्प्लेसमेंट से होती है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जा रहा है लीनियर लाइन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट एंगल में हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं क्या बोलता हूं, वेलोसिटी। अगर मेरा एंगल टाइम के साथ बदल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बताने के लिए क्या होता है इसको, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, 24 लेटर है, अपर केस। एक्सीलरेशन देखो, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग ए से रिलेट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है, तो हम लोग उसको एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिलेट करेंगे। इस चीज से वेरी गुड। मास, मास को हम लोग एम से रिलेट करते हैं। मास का मतलब क्या है, इस चीज का ज्यादा मास है, इसका मतलब उसको मोशन करना मुश्किल है, वो चीज ज्यादा भारी है और वो भूखी भी है, उसको यहाँ से डिस्प्लेस करना, हलाना मुश्किल है। कोई चीज अगर भारी है और फॉर्म कर रही है, उसको रोकना मुश्किल है, बन ना रहा है मास। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और वो घूम रहा है, तो उसको रोकना मुश्किल है। किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसको घुमाना है, धक्का देके घुमाना है। इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया गाड़ी चलता है। देखो इनर्शिया मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है तो जो स्टेट में है वो स्टेट में रहे, है ना, जो स्टेट में था वो स्टेट में रहे। तो लीनियर लीनियर मोशन का इनर्शिया मास बताता है, लीनियर मोशन का इनर्शिया मास बताता है, नाम दे देंगे ये मास है। एंगुलर मोशन का इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से बताते हैं। अगर अभी का डिस्कशन आपको समझ में नहीं आया तो इतना ध्यान में रखो, लीनियर में मास कहेंगे और एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। फोर्स एफ है ना, यहाँ पर फोर्स का इक्वल मतलब एनालॉजी में टॉर्क लिख देगा, टॉर्क यहाँ पर नीचे जाएगा, लेकिन क्या किया फोर्स को मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर से ये किया, मतलब एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस समझो इसमें आर बनता है, ठीक है, रेडियस होता है, इस रेडियस पे मैंने फोर्स लगाया था, घूमेगा ना, तो घूमने के बाद जो ये घूम रहा है तो ये रोटेशनल इफेक्ट का फोर्स, इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। इस पे रोटेशनल इफेक्ट का फोर्स फोर्स में इफेक्ट है, इसको टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क को लिखने का तरीका भी यही है, टॉर्क इज नथिंग बट जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिस्टेंस, समझ आ रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा घूमेगा, कम डिस्टेंस कम घूमेगा, ज्यादा फोर्स का और दिस इक्वल्स टू फोर्स इनटू आई एम हम गाड़ी चलाते चक्का घूमता है, चक्का जो फोर्स लगाता है जमीन पर तो लॉस फोर्स ज्यादा टॉर्क ज्यादा फोर्स। टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देख लो क्या आप क्या लिखा है, ठीक है। टॉर्क का एक पहला फॉर्मूला समझ में आया, फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। जनरली देखो दोनों की रिलेशन में वैसा ही है, फोर्स है, फोर्स इनटू रेडियस के तो टॉर्क बनता,
ठीक है, सिमिलर यहां पे यहां पे लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनटू रेडियस करता हूं 2 मेगा, अब ये है ए है एक्सेलरेशन इनटू आर से होगा आदमी हम लोग इतना है ना। हां करें एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा है, यहां पे बी इज इक्वल टू आर ओमेगा है। अरे देन में रिलेशन है आर का उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम आर स्क्वायर इक्वल रिलेशन। अरे देन में अब यहां पे फोर्स, यहां पे एक फार्मूला होगा टॉर्क और एक फार्मूला है, जैसे फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, दूसरे में टाउ क्या होता है टाउ इनटू मास की जगह पर लिखो आई, ए की जगह पर लिखो टाउ इक्वल टू आई, टाउ के दो फॉर्म होते हैं मतलब आई अल्फा और एफ एल के वाले। अब सारी बातें कवर हो चुकी है, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ट्रायंगल्स। ए डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स इनटू फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओमेगा। एस इज इक्वल टू इनटू एस इज इक्वल टू थीटा इनटू आर, एनालॉजी समझ में आ रही है, एनालॉजी याद रहेगी पर समझ में आ रहा सर
Thank you.